सिलाई से बचे हुए कतरन को फेंकने से पहले आज का मेरा ये दोनों ही आइडिया देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं ये सिलाई से बचे हुए कतरन का यूज़ करूँगी और इनमें से भी सिर्फ दो टुकड़े से दो आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी और दोनों ही बनाना बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही काम के हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इनमें से सबसे पहला आइडिया के लिए देखिए, ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा ले ली हूँ और जिसका नाप है, इसका ये चौड़ाई है 9.5 इंच और लंबाई 12 इंच है। तो आप चाहे ना तो लंबाई वाला जो है, तो मतलब 12 इंच की जगह पे 6 इंच का, 6x9.5 का दो टुकड़ा लेकर भी इसको बना सकते हैं। मेरे पास एक बड़ा टुकड़ा था तो उससे मैं बना रही हूँ, मतलब और छोटा टुकड़ा होना तो भी आप उससे बना सकते हैं। अब इसमें मैं अटैच कर रही हूँ प्लास्टिक की बोरी और लाइनिंग के लिए शॉपिंग बैग का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, नीचे रखेंगे शॉपिंग बैग वाला और बीच में कपड़ा जो मेन फैब्रिक है और ऊपर की तरफ प्लास्टिक की बोरी। इस तरह से रखने के बाद इनको पहले पिन से सेट कर लिए हैं। तो अभी देखिए, जिस तरह से मैं रखी हूँ इसी तरह से रखना है। अब इस पर क्या करेंगे कि चारों तरफ से सिलाई चलाएँगे, बस थोड़ा सा एक जगह से छोड़ देंगे जिससे इनको सीधा कर लें। तो पहले देखिए इसमें सिलाई चला लिए हैं। अब सिलाई चलाने के बाद देखिए, इस तरह से कॉर्नर ना बाद में खोलने में दिक्कत करते हैं, तो कट कर दिए उसको और उसके बाद छोटे छोटे पूरे में नोचेज लगा लेंगे जिससे ये ना जब सीधा करें तो कहीं से भी सिकुड़न ना रहे। अभी देखिए, पूरे तरफ छोटे छोटे नोचेज लगा लिए। अब क्या करना है, शॉपिंग बैग वाले मतलब तरफ से इस तरह से इसको सीधा करेंगे। इससे क्या होगा ना, प्लास्टिक की बोरी बीच में हो जाएगा और लाइनिंग और मेन फैब्रिक ऊपर। तो अभी देखिए, अच्छे से कॉर्नर निकाल लिए हैं चारों तरफ का। अब चारों तरफ सिलाई चलाएंगे टॉप स्टिच और जो थोड़ा सा खुला था उस पर भी सिलाई चला लेंगे। अब देखिए, इसके बाद साइड साइड से जो इधर 9.5 इंच है उधर से मैं लेस का टुकड़ा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक ऐसा है ना जिसमें साइड साइड में थोड़े बहुत बॉर्डर हैं तो आप उसी तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा लुक अच्छा लगने के लिए लेस लगा ली हूँ, तो लेस को दोनों तरफ से सिलाई कर लिए। अब इसमें लगाएंगे जिप। जिप को देखिए, जिप को रखे हैं नीचे की तरफ सीधा और इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने पर ना कोई भी इसमें रफ एजेस नहीं रहेंगे, साथ के साथ ये फिनिश भी, मतलब कोई भी रफ साइड भी इसमें नहीं रहेगा, सब साथ में सिलता चल रहा है। तो देखिए, उस मतलब इसमें अलग से टॉप स्टिच भी नहीं चलाना पड़ा, बस जिप को सीधा रख के सिलाई चला लिए। अब इसमें रनर लगाएंगे, पहले रनर को पूरा निकाल के और फिर बीच में इस तरह से कर दिए हैं। अब इसको कर लेंगे सीधा, सीधा कह रहे हैं, सीधा तो ये है ही, अब इसको उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद एक इसमें हैंडल लगाएंगे, तो उसके लिए मैं छोटा सा कपड़ा जिसका नाप 9.5 और चौड़ाई उसकी 1.5 इंच थी, तो उस पर सिलाई चला के फोल्ड करके सिलाई चला लिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ एक साइड में अंदर की तरफ जिप के जस्ट नीचे लगा लेंगे। पहले पिन से दोनों जगह पिन से इसको सेट कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई चलाएंगे। देखिए, ये सिलाई चला लिए। अब जो भी थोड़ा बहुत जिप वाला था एक्स्ट्रा, उसको कट कर लिए। दूसरे साइड में देखिए बिल्कुल भी नहीं है, और देखिए कहीं भी कुछ भी रफ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छे से, मतलब इस तरह से कुछ अलग से पट्टी भी नहीं लगाना पड़ा, बनके तैयार हो गया है। इसको सीधा करने के बाद अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। और इस तरह के जो पाउचेज होते हैं ना, हमारे कई काम आते हैं, जैसे आपका है मेकअप का सामान रखना हो, बच्चों के पेंसिल रखना हो, या फिर कभी कभी होते हैं ना कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है जो इकट्ठा एक जगह रखने के लिए, तो इस तरह के पाउचेज का यूज़ होता है। इस तरह के पाउचेज हम मार्केट से भी खरीदते हैं मल्टीपर्पज़ के यूज़ के लिए। तो चाहें तो आप इस तरह के पाउच बना के, मतलब बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ बना है, कहीं से भी कोई रफ साइड नहीं है, तो सेल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया के तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैं एक कपड़े का टुकड़ा ली हुई, इससे भी ब्लाउज मैं बनाई थी तो उसी का टुकड़ा है, जिसका नाप है, मतलब लंबाई इसकी 15.5 इंच है और चौड़ाई 11.5 इंच है। तो सिर्फ एक इसी टुकड़े से बनाएंगे। अब इसमें
केवल लाइनिंग लगाएंगे, कोई भी फोम भी नहीं लगाएंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे ना कि देखिए लंबाई के तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड हो गया, अब इसको चौड़ाई के तरफ से फिर फोल्ड कर लेंगे। तो चार लेयर में ये फोल्ड हो गया इस तरह से बराबर, कॉर्नर बराबर मिला के। और जिधर साइड से चारों खुला भाग है ना, उधर से साइड से कट करेंगे। देखिए ये इधर से खुला है चारों कॉर्नर, इधर से कट करेंगे। तो इधर से जो लंबा इसमें दिख रहा है ना, उसमें 5 इंच का निशान लगाएंगे। जिधर से चौड़ाई है उसमें 3.5 इंच। अब इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो पहले इसकी पूरी कटिंग करने के बाद इसमें लाइनिंग लगाएंगे। तो देखिए ये कट कर लिए। तो अभी क्या करेंगे ना कि इसका जो चौड़ाई साइड से है, जिधर 3.5 इंच का कट किए हैं, उधर के एक साइड में, सिर्फ एक साइड में थोड़ा सा ऊपर से गोल शेप दे देंगे। चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब लास्ट में इसको बंद करने के लिए देखने में अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा सा गोल शेप दे देंगे। देखिए इधर से कॉर्नर की तरफ से बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर सिलाई करते समय ना फिर सिकुड़न आ जाता है। तो देखिए थोड़ा सा एक साइड में बस कर लिए। अब इसके सेम साइज़ का हमें लाइनिंग के लिए, ये शॉपिंग बैग का ही पहले मैं यूज़ करी थी, तो फिर बीच में से जोड़ लगा के और इसी का यूज़ करेंगे। अभी देखिए जो शॉपिंग बैग वाला है वो सीधा साइड में करके और इस तरह से कपड़े को ऊपर रख के पहले चारों तरफ से पिन लगा लेंगे। अभी देखिए पिन लगा लिए। अब इस पे चारों तरफ से सिलाई चलाएंगे और किसी एक साइड से थोड़ा सा छोड़ देंगे जिससे इसको सीधा करें। अभी देखिए पूरे में सिलाई कर लिए। अब पहले इसको कट कर लेंगे जितना भी शॉपिंग बैग वाला एक्स्ट्रा है। अब बस इस एक छोटे से टुकड़े से बहुत ही बढ़िया पाउच बन के तैयार होगा, वो भी बिना जिप के, बिना फोम, बिना प्लास्टिक की बोरी से। तो अभी देखिए ये कट कर लिए। अब कट करने के बाद कॉर्नर पे छोटा छोटा कट कर देंगे, बाकी पूरे में छोटे छोटे नोचेज लगा लेंगे जिसे सीधा करने पे बिल्कुल भी सिकुड़न ना रहे। तो सिलाई से जस्ट पहले तक छोटा छोटा कट करेंगे। और इसमें सिर्फ फोल्ड करने का तरीका अलग है और उसी से 3 पॉकेट का पाउच बन जाएगा। तो ये देखिए कट कर लिए। अब इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जितने भी कॉर्नर है सबको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो किसी भी नुकीले चीज़ से। तो अभी देखिए इसको सीधा करने के बाद अच्छे से कॉर्नर भी निकाल लिए हैं। अब जहाँ से सिलाई थोड़ा सा खुला हुआ था वहाँ पर भी सिलाई कर देंगे और साथ में चारों तरफ बैठने वाली सिलाई चला लेंगे। तो अभी देखिए सिलाई चला लिए। अब इसमें लगाएंगे, पहले ही लगा लेंगे क्योंकि बाद में फिर जब पूरा सिलाई हो जाता है ना, तो वेलक्रो लगाएं या टीच बटन लगाएं, कुछ भी लगाएं, मतलब दिक्कत होती है बाद में। तो अभी देखिए इस पर हमको लगाना है क्योंकि यही फोल्ड करने पे ऊपर की तरफ आएगा। तो जहाँ पे जो थोड़ा सा गोल शेप का निशान लगाए थे ना, उसमें लाइनिंग के तरफ और उसके दूसरे साइड में मेन फैब्रिक पे वेलक्रो लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से बराबर से मिला लेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। तो दोनों पे बीच में सेंटर पॉइंट बना लिए और सेंटर में देखिए यहीं पे नीचे की तरफ लगाना है। तो एक नीचे की तरफ और इसको चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे और एक इधर के साइड में, तो इस पर भी चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे। तो देखिए अभी सिलाई चलाने के बाद अब इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। मेन यही इसमें ध्यान देना है। अभी देखिए लंबाई वाले तरफ से एक बार फोल्ड कर लिए और फिर दूसरा वाला फोल्ड करके उस पर रख लिए। अब नीचे जो बराबर साइड का है ना चौड़ाई वाला, उसको ऊपर की तरफ रख लिए। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद पहले इसको पिन लगा लेंगे। तो अभी देखिए ये पिन लगाने के बाद अब क्या करेंगे ना, ऊपर से यहाँ से इस तरह से सीधी सिलाई चलाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ सीधी सिलाई चला लिए। बस ये पाउच बन के रेडी हो गया है और देखिए इसमें 3 पॉकेट बने हैं।
और इस तरह के पाउच में आप चाहें तो कार्ड्स रखें या कुछ भी अपनी ज़रूरी चीज़ें, या बड़े पर्स अगर ले रहे हैं ना तो उसमें भी इस तरह के कार्ड्स रख के कुछ भी ज़रूरी चीज़ें या थोड़े बहुत पैसे रख के रख सकते हैं, जिससे रहता है ना कि पर्स में सब चीज़ एक में मिल जाता है तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और बनाने का तरीका इसका देखें, सबसे अलग यूनिक भी है और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। तो ये आज के मेरे दोनों ही आइडिया कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।